और जी सगों जी सानू मिल गई बांस दे विच जिहड़ा बड़ी और जी साढ़े डॉग नू जिहड़ा ना पता लग गया हुण जिहड़ा उन्हां नू तलाश जिहड़ा ना कर रहा। हाँ लग्या पता कित्थे और उत्थों जिहड़ी बांस दे विचों जिहड़ी निकल के फिर जिहड़ी किधर गायब हो गई आ। इधर बांसा दे अंदर जिहड़ी ना बड़ी ही खतरनाक जिहड़ी ने सगों वाड़ गई और पकड़ी बैठी है किसी शाय नू असीं छडाण दी जिहड़ी ना कोशिश कर रहे हैं लेकिन जो छाड़ नहीं नुमान पीछे हो जा इधर किधर निकलेगी उन्हें और मैं जो ज्यादातर वंशा हाथ नहीं ला रहा अगे जरा ना किधर गई क्योंकि ऐस जेड़ा ना मैं कल कह रहा सी चूहे की जी ना खोडा लेकिन इन अंदर जी कि सगों रही है मन ना कर और फौरी तौर ही जो उ देखा और उन्हें कोई चीज जेड़ा पकड़ी है पता नहीं पकड़ी उन्हें केड़ी चीज है और इतने जो थले बढ़ के बैठी है और बहुत ज्यादा मन तो डर लग रहा क्योंकि काफी वीडी जी कि सगों कोई समझ नहीं लग रही है रस्ता रस्ते बंद करने पहले वायर काट लीए और जी सगों जी सानू मिल गई बांस बड़ी और जी साडे डॉग नू पता लग गया हुण जिहड़ा उन्हां नू तलाश कर रहा। हां लग्या पता कित्थे और उत्थों जी बांस दे विचों जी निकल के फिर जी किधर गायब हो गई है तलाश कर मिंट ला उधर कोई नहीं गई जिधर जा रहे हैं और इत्थे जी दोबारा फिर जी चली गई है। और जी फाइनली असी तलाश करके जी सगों नू जी असी लिया पकड़ हुण जी बाहर जी फसलां ले जी छड़ के आने और मारिया कोई नहीं समझ लो कि किसान का बेहोश जी इन्हू किया और काफ़ी वड्डी जी कि सगों आई इन्नी वड्डी जड़ी कि ना सगों नुमान डर नहीं लग रहा तेनू हाँ लग रहा है ना मैं इस करके कहना दे इटा ले किसी चीज़ ले नेड़े नहीं जाना अज इटा आई आप तू सारा करना क्योंकि आई है उधरों जी ना मामू की दीवार के नालू चाड़ के तो रेत थले आई है तो उधरों फिर इंज आई है पिछे फसलों ने अगले दिन न्योल आ गया यहोजी जी चीज़ा इतने बहुत ज़्यादा जी पैंप के रस्ते जो आ जाए हम साटिया भी उस तू पहले के होश च आए आप सीट के आइए ठीक हो गया ना बल्कि उत्थे ही जाना चल के मैं जाना मार के आवानगी क्योंकि इन्हें होश आना डायरेक्ट इतने फिर आ जाना एवं ही ना हाँ हाँ अगले दिन बढ़िया सी हूँ कोई नहीं साफ सफाई करने ईटा वगैरह जिधर जोड़ने सारे बहन भाई कह रहे गंद खत्म करो छोटे छोटे अपने बच्चे ने सप नो ज्यादा जहरीली होंगी है जेब वेख होंगी कि ब्लैक कलर की बाहर निकली दो इंच तो उनकी जबान है निकले दस डर गए नहीं चल ठीक है बठल लाया बठल दे पा के जन ला जाना ठीक तू जुत्ती पैरी पा पर जुत्ती निकाल दी बेचारे दी टूट गई पोला जेड़ा ना पिया आवे टूटी हुई चाक के पा ला चल दूसरा पोला ठीक है आज शहर जावांगे तेरी जुत्ती जेड़ी ले आवांगे हां दूसरी पा ला चलो हां मारता मार दिता मार दिता कह रहा मारा तेने मैं क्या मारता 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 परेशान ना पहले होश ना भी पहले हां आइंदे विच आई है
अच्छा कह रहे उधरों आइए साढ़े लो नहीं इधरों आइए इधरों आइए इधरों आ मामू की साइड लो उधरों कोई नहीं आई। अच्छा हूँ इन्हों मैं सारा तो पहले जाना सट में उस बाद फिर थोड़े गल होंगी इधर जिट के हूँ जी चलें वापस और थले जो जमीन के अंदर जो पूर के आया मैं कोई चीज़ जी खा ना लगे और काफ़ी सारी जी जहरीली होंगी इस वजह से जो मैं कई लैके गया और उन जो थले जमीन तकरीबन डेढ़ दो फुट जो थले पूर के जो मैं आया ताकि कोई चीज़ जो पक जाए क्योंकि मेरा कुत्ता ही जो पकड़न लगे लेकिन जो मैंने नहीं पकड़न दिता क्योंकि बहुत ज़्यादा जी जहरीली चीज़ आ इस वजह तो नुमान खुंडा दे देता जो साबण ना हाथ धो लीए और हाथ तो जेड़े ना कोई नहीं लाए लेकिन फिर भी जो धो लीए तू अब जो ना धो लिया हूँ मैं भी जो चलिया बेगम साहब जो बना लगे रोटी मैं जो ना साल जो शाम जो कोई नहीं बनाया नाल मैं उतु जो दो आंडे जो लैम लाए दूसरा दिन समझ लो कि आंडे ही जो खा रहे हैं सब्जी जी घर भी जो कोई लैन दी अज फिर जैर कल गया बाकी समान वगैरह जो लैन दा लेकिन जो सब्जी जाना जेन चाहिए भी तो लेकिन जो मैं बाइक को अंब ले और उमें जाना वापस में आ गया तो लेकिन अब जी सब्जी वगैरह जी लै आवे नहीं तो मैं मसल मरचा जो भी नहीं खाई दे अंडे भी जो नहीं खाई दे इस वजह से मैं सब्जी दो तीन दिन की जी कट्ठी लिया के रख लवेंगे और मोटरसाइकिल जो भी डिगया पे और जी आंडे जो मैं लै गए दो आंडे जो लै ले बाकी समान वगैरह से जो पे और अज रोटी भी जो लेट हो गई है काफ़ी सारी अगर तो जो अभी फास्ट टाइम जो है ना मतलब रोटी खा लेंगे 7 बजे ना बाई और ही जो जा रहे हैं पानी जो देख पानी जो सू कह दे पहले तो 7 बजे रोटी जो खा लेंगे लेकिन अब जो हो गई है लेट क्योंकि भाजी अब तो नहीं जो ना आ गए उन्होंने कि रोटियां मैं जो पका लिए तुम भी खा लिया उन्होंने कहा नहीं तुम वैसे साढ़े को जो रोटी जो अभी नाश्ता जो ना करो जो करके आए उनकी वजह से जो है ना लेट होगी सा रोटी अज तो लेकिन कोई नहीं हूँ जो रोटी पक जाती फिर अज इटा की सारी साफ सफाई जी करनी एलो एल एलो आंडे मैं तक रोटियां पकाई बैठे उस चलो ठीक हो गया रोटियां जी बेगम साहब जी ने पहले जी रोटी बना ली आज नहीं जा फातिमा ने बड़ी भूख लगी खोती क्यों नहीं जा फातिमा चलो आज भूख लग गई मेरी दी नु है ना क्यों नहीं जा फातिमा आज भूख लग गई आज सांझ रोटी कोई नहीं मिली है ना तबीयत खराब हो गई तो 8 बजे अब नहीं आ गए मोर नहीं रोटी बनी कौन बना लेनी अंडा किधे नहीं जा फातिमा अंडा किथे हां रोटी पक गई हसी हसी नहीं जा फातिमा हसी हूँ आस पे लो जी नाराज हो तो हसदी नहीं पे मैं तो रोटी मेरे खींदी नहीं मैं थोड़ा जी जूस बना ली ठीक है जूस बना लिया तुसी और वैसे ही हलवा या कोई है जी जेड़ी ना चीज और रोटी जेड़ी ना थोड़ी जी होंदी सखत उनकी वजह तो गला शायद तुहाडा जेड़ा ज्यादा खराब होंदा होवे जे दर्द करदा होवे और अंडा जेड़ा ना बन गया कोई नहीं अल्लाह खैर करके दवाई ले ही रखो और दवाई भी जी ना मतलब कि जो ना गाँव को नाल जो सूरत रहमान जी पहाड़ी को दम भी जो कर अल्लाह करेगा जो भी बीमारी जी इंशाल्लाह जी जड़ तू खत्म हो जाएगी और इन्होंने वासा जो सीधा करके जो रख लेने उपर जोड़ के बाद रोटी जी खा लीए और सूरजमुखी जी क्या बात है मैं हर भी लोग जो तुम दिखा दिना कि बूटा जो ना बहुत ही प्यारा जो खिलिया खड़ा और बदल जेड़ा ना इधरों काफ़ी सारा जो आ रहा शायद बारिश जी ना आ जाए तो इंशाल्लाह असी लंगर भी जो करना जो भी अल्लाह पाक तौफीक दी जितनी की जी दी ना असी जो सोच रहे हैं पहले साड़ी दिल से कि असी देगा दो जी मतलब कि 8 मुहर्रम या 9 मुहर्रम जी वंडांगे या 10वीं वाले दिन तो लेकिन जो है ना वो फिर पैसे जो इधर से खर्च किए लेकिन हूँ जो साड़ी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी कोशिश है कि सुबह जो है ना असी जूस के जो पैट लै आवेंगे नैस्ले के जो 40 रुपए का जो जूस मिलता उनके पैट जो दो लै आवेंगे तीन जिनी कि जो उन्होंने तकलीफ की वह पैट लै आवेंगे और ठंडे जो फ्रिज लिया के जो रखेंगे अज शाम या कल तो फिर जो 9 मुहर्रम जो सुबह इंशाल्लाह जो असं जूस जो तकसीम करेंगे मतलब कि एक पैट के भी जूस होंगे ने दिल आ पांच एक पैट जो लै ली मतलब कि 100 बंदे जो पूरे आ जाएंगे ठीक है ना शिकमंजी का मौसम कोई नहीं है क्योंकि मौसम जो उपरों बदले हुआ
बंदे पीन कोई मतलब बीमार होने या हैजा वगैरह जेड़ा बन जाता ना बाजूका जेड़ा या मौसम जेड़ा होवे ना सावन दा ते शिकवंजी जेड़ी कहंदे नहीं अच्छी होंदी आ। इस वजह तो जेड़ा मैं सोच रहा कि जूस जेड़े ना वो इंशाल्लाह जेड़ा वंडांगे जेड़े 3000 दे आ गए 4000 दे आ गए वो जूस जेड़े ना वंडांगे। बेगम साहब कहंदे सिख जेड़े देख कर लो देख जेड़ी नोंदी है 10000 रुपए ते जितना कि बस नियत होनी चाहिए साहब जितना कि होवे ना क्योंकि अल्लाह वास्ते जेड़ा ही होंदा ना मतलब कि 10 रुपए वाले नु उन्ना सवाब आ ते 1 लाख रुपए वाले नु इन्ना सवाब आ। सिर्फ और सिर्फ जेड़ा दिल साफ होना चाहिए इंशाल्लाह जितनी कि अल्लाह पाक तौफीक दित्ती दिल तो करदा दिन रात जेड़ा लंगर बंडी रखिए एक मिनट भी जेड़ा ना होवे सारे पिंड नु जेड़ा बिठा के जेड़ा लंगर रखवाई रखा ते इंशाल्लाह सुबह जेड़ा असीं वंडांगे अज्ज शाम नु लिया के रख लवांगे ना ते फ्रिज विच ठंडे चंगे हो जावणगे उस तो बाद जेड़ा सुबह आपां सारयां जेड़ा तकसीम करांगे ठीक है ना। निजा फातिमा आंडा बन के रोटी चाह के अंदर ला चल खावीए। हाँ जी अलहमदुल्ला रोटी जी पा गई और अलहमदुल्ला जी खा ली और दूसरा हूँ जरा करने रेस्ट दोपहर का जरा घंटा था उस तो बाद जरा इटा को अच्छे एक जगह मतलब कि जोड़ के जरा रख लवेंगे ना ताकि जो जी फिर जो खतरनाक चीज़ा जी ना आवन वो तो वैसे अगे पिछे तो जो नादियां रहें लेकिन लोगों छुपन की जी जगह ना बचे साफ सुथरी जगह हो कि लोग ना सकन बाकी जो टीयर गार्डन ने ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਥੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤਾ ਜੀ ਮਾਮੂ ਦੀ ਬਾਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲਾਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਨੇ ਆ ਕਿ ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ ਅੱਛੇ ਵਿਲਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।